नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोज जायसवाल। आप देख रहे हो टेक्निकल आरजेएम। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इन्फिनिक्स हॉट 40i में किस तरह से आप अपने हॉटस्पॉट का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। हॉटस्पॉट का पासवर्ड चेंज करने के लिए सिंपली आपको क्या करना होगा, अपने मोबाइल के सेटिंग में आना पड़ेगा। जो भी आपके मोबाइल का सेटिंग है उसको खोज लेना है। ये रहा हमारे मोबाइल का सेटिंग, ऊपर दिख रहा है वाइट कलर का है। थोड़ा स्लाइड करके आपको नीचे आना है, सबसे ऊपर ही आपको सेटिंग मिल जाएगा। तो मैं नीचे लेके आता हूँ, ये स्लाइड करके इसको नीचे लाता हूँ आपको। तो ऊपर सेटिंग का ऑप्शन है, आपको क्या करना होगा, सेटिंग में क्लिक करना होगा। सेटिंग में जैसे क्लिक करेंगे तो उसके अंदर आपको मिलेगा हॉटस्पॉट का ऑप्शन मिलेगा। तो एक मिनट में आपको सेटिंग ओपन करके दिखा देता हूँ। ये रहा हमारे मोबाइल का सेटिंग, इसमें दिख रहा है हॉटस्पॉट, ऊपर है हॉटस्पॉट, नीचे आपको नहीं आना है, इसको बैक कर लेना है। और चलिए मैं ऊपर आ जाता हूँ। ये रहा हॉटस्पॉट, इसको ओपन कर लेना है। हॉटस्पॉट सबसे ऊपर वाला दिया है, वाईफाई हॉटस्पॉट का ऑप्शन दिया है, तो उस पर आपको क्लिक करना होगा, पहले नंबर वाला। तो इस पर हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद दिया है हॉटस्पॉट सेटिंग दिया हुआ है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो हॉटस्पॉट का आप नाम चेंज कर सकते हैं। सबसे पहला नंबर का दिया है हॉटस्पॉट का, अगर आप अपना नाम चेंज करना चाहते हो अपने हिसाब से, जो भी अपने मोबाइल के वाईफाई का नाम रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। फिलहाल इस मोबाइल का मैं लिख दे रहा हूँ टेक्निकल आरजेएम, अपने चैनल के नाम से इसका लिख दे रहा हूँ। तो आप भी इस तरह से जो भी नाम अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट का नाम चेंज करके रखना चाहते हैं, अपने हिसाब से नाम चूज करके आप सेटिंग करके लिख सकते हैं। आप जो आप अपना नाम का भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, जो भी चाहे वो आप नाम लिख सकते हैं। और उसके नीचे दिया है पासपोर्ट, तो पासपोर्ट भी आप अपने हिसाब से जो नंबर चाहे वो नंबर सेट कर सकते हैं, कम से कम 8 अंक का होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर पासपोर्ट भी चेंज कर दे रहा हूँ, इस तरह से मैं अपने नाम से लिख दे रहा हूँ, रोहित जायसवाल। तो आपको इस तरह से अपने नाम से पासपोर्ट रखना है या नंबर से रखना है, आप अपने हिसाब से सेटिंग करके इस तरह से चेंज कर सकते हैं। दूसरा एक और ऑप्शन आपको दिख रहा है सिक्योरिटी का, इसमें क्या होगा, कितना परसेंट तक कनेक्ट हो जा सकता है पासपोर्ट। अगर किसी को बता रहे हो तो 1 जन में 2 जन में, यहाँ से आप अगर क्लिक करोगे तो जितना लोगों का यहाँ पर ऑप्शन आपने क्लिक करके रखा उतने में ही पासपोर्ट आपका मोबाइल का वो लोग यूज कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। तो यहाँ से आप अपने हिसाब से पर्सन आप सेलेक्ट करके सेटिंग कर सकते हैं। सिक्योरिटी के ऑप्शन में जाना होगा और वहाँ से आपको अपने हिसाब से सेट कर लेना होगा। तो चलिए एक बार मैं यहाँ पे इस पर सिक्योरिटी पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करके आपको दिखा दे रहा हूँ कि किस तरह से आप यहाँ पे पर्सन को आप क्लिक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिख रहा है 2 पर्सन, तो यहाँ पर 2 पर्सन के लिए दिया है, तो 2 पर्सन पर मैंने क्लिक कर दिया, यानी कि 2 ही आदमी में वाईफाई पासपोर्ट यूज कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं यूज कर सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में।